पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा का जायजा लेने बीजेपी नेताओं की एक कमेटी जाएगी। हालात वहां अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। आसनसोल हिंसा को लेकर बीजेपी ने चार नेताओं की एक कमेटी बनाई है। दिल्ली में बनी इस कमेटी के अध्यक्ष ओम माथुर होंगे। शाहनवाज हुसैन, रूपा गांगुली और बीडी राम इसके सदस्य हैं। बीजेपी ने यह फैसला आज लिया है। कल कमेटी के सदस्य आसनसोल जाएंगे। आसनसोल में सांप्रदायिक हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तनाव की वजह से आसनसोल में धारा 144 लागू है। आसनसोल और रानीगंज में इंटरनेट सर्विस पर 4 अप्रैल तक बैन है। पुलिस ने कल महावीर जयंती के मौके पर किसी तरह की रैली की इजाजत नहीं दी। आसनसोल और रानीगंज में सांप्रदायिक हिंसा की शुरुआत रामनवमी के दिन हुई थी। हिंसा के दौरान आसनसोल के DCP अरिंदम दत्ता चौधरी भी घायल हो गए थे। राज्य का मामला होता है शांति बनाए रखने का, तो जनता अपेक्षा करती है सुरक्षा की, रक्षा की, तो मुख्यमंत्री ने सभी समाज को सुरक्षा देनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन है ये पूरे के पूरे ये सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे में काम करता है। यहाँ कोई निष्पक्षता की बात कभी हो ही नहीं सकता। देखिए, बंगाल जल रहा है। अब ममता जी दिल्ली के अंदर नेताओं के साथ फोटो सेशन करा रही, हर दल के नेता को पकड़ पकड़ के ला रही है, फोटो खिंचवा रही है।